आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन में बेजुबान को खाना खिलाने का कार्य पीपल फॉर एनिमल आगरा कर रही है। मेनका गांधी की इस संस्था से जुड़े पदाधिकारी शहर में घूम रहे भूखे प्यासे बेजुबानों को खाना खिला रहे हैं। मेनका गांधी की पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था बेजुबानों को भोजन कराने का कार्य कर रही है। संस्था के पदाधिकारी दीप्ति उपाध्याय का कहना है कि लॉकडाउन में बेजुबान भूखे प्यासे सड़कों पर घूम रहे हैं, इसके चलते बेजुबानों को खाना खिलाने का निर्णय लिया गया है। एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं ह्यूमंस पर डिपेंड हो चुके हैं, तो ये हमारे बिना इनका काम नहीं चलता। लॉकडाउन होने की वजह से जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे तो कुछ ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, जहाँ तक इनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए PFA, हम लोगों से PFA की तरफ से ये गाड़ी निकलती है एक दिन छोड़कर, और बाकी हम लोग जो वॉलेंटियर्स हैं वो स्कूटरों पे खाना लेकर निकलते हैं, और आगरा के जितने क्षेत्रों में हमारी पहुँच बन पा रही है वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और खिलवा रहे हैं। संस्था के पदाधिकारी सुबह ही खाना तैयार कर मारुती वैन में गाय और श्वानों को खिलाने के लिए शहर में निकलते हैं। सड़कों पर घूम रहे गाय और श्वान खाना देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। शुक्रवार को न्यू आगरा क्षेत्र में गाय और श्वानों को खाना खिलाया गया। ये इंतजाम PFA की तरफ से है, पीपल फॉर एनिमल, जो आगरा में एक एनिमल पशु क्रूरता के लिए, पशु जागरूकता के लिए, उनके इलाज के लिए आश्रय भी है वो, उसके लिए जो काम करती है ये उस संस्था की तरफ से, और हम लोग भी वहीं से हैं, और अलग अलग जाके भी लोग हम लोग खिला रहे हैं। और गाड़ी देखिए मैनेज डेली करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय सामान नहीं मिल पा रहा, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा, अगर मिल भी रहा है तो दुगने दामों में मिल रहा है। और सहयोग करने के लिए हमारे पास लोग बाग नहीं है कि जो निकल कर आए और कहें कि भाई इन जानवरों का जीना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा जीना है, अगर इनको पानी नहीं मिलता और खाना नहीं मिलता तो ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे एक महीने तक। तो इस मजबूरी में हमको तो निकलना ही निकलना है, करना है, और लोगों से हमारी यही अपील है कि जो भी हो ये समय जैसे भी कट जाए, इतना मुश्किल दौर है, इनका जीवन बचा रहे, इसमें सहयोग करें। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि गाय के लिए भूसी, रोटी, केला और श्वानों के लिए दलिया के अलावा अन्य सामान तैयार किया जाता है। इसके बाद शहर भर में घूमकर बेजुबानों को खाना खिलाया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारी दीप्ति उपाध्याय ने शहर के समाज सेवियों से इस कार्य में मदद करने की अपील की है। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।